तो आज देश में दीपावली का त्यौहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरे देश को दीपावली की शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी और लिखा कि रोशनी का उत्सव नया प्रकाश लाए। अमित शाह ने भी दिवाली की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि दीपावली के पावन पर्व की शुभकामनाएं। तो एक एक कर तमाम दिग्गज ट्वीट कर बधाई दे रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिन्होंने लिखा दीपावली के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई। आइए इस दिन हम प्रेम, सहानुभूति और मेलजोल का दीपक प्रज्वलित करते हुए सभी के, खासकर जरूरतमंदों के जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करें। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट कर देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, तमाम दिग्गजों ने दीपावली की शुभकामनाएं दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके क्या लिखा है, उन्होंने कहा कि देशवासियों को दीपावली के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोशनी का ये उत्सव हम सभी के जीवन में नया प्रकाश लेकर आए और हमारा देश सदा सुख, समृद्धि और सौभाग्य से आलोकित रहे। गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। ये दीपोत्सव सभी के जीवन में नई रोशनी, समृद्धि और सौभाग्य लाए। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रकाश का पावन महापर्व दीपावली हम सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए और सभी का जीवन आलोकित हो, ऐसी प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं। सभी देशवासियों को दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है एक दिया घनघोर अंधेरे को दूर कर देता है, अच्छाई और सच्चाई की एक आवाज झूठ और अन्याय की आंधी को रोक देती है। दियों, उजाले, चूरा, खील, मिठाई, उल्लास और संपन्नता के पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और लिखा है कि हर पग पर, हर पथ पर नव अक्ष दीप चलें, नव प्रकाश हो, प्रेम का सब मिलकर संग चलें, दीप पर्व की अनंत शुभकामनाएं। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।